गुड मॉर्निंग एवरीवन। नहा धो के हो चुकी हूँ तैयार, लगभग एक घंटा हो गया है और कल लाइट चली गई तो मैंने सोचा जल्दी से नहा लिया जाए। झाड़ू पोछा निपटा दिया था, गर्ल स्कूल का है, हिमादी की छुट्टी, हिमादी थोड़ी देर पहले उठी है, मैंने उसे पेस्ट कर लूँ। कल उसकी कैविटी एक टीथ में हो गई थी, उसे उसने फिलिंग करवाई, तो आज हिमाद्री खुश है। और साथ में उन्होंने गिफ्ट करी है हिमाद्री को डेंटिस्ट ने एक पेंसिल और एक पेस्ट, तो हिमाद्री इतनी खुश हो रही है ना, मुझे पेस्ट भी मिला, अभी दिखाने लगी मम्मा पिंक। का फेवरेट पिंक कलर का पेस्ट मिला है और तो खाने में बन रहा है, हम लोग खाना जल्दी बनाते हैं। ये बना रही हूँ मैं कढ़ी, ये है जरा सिंपल सी, इसमें खाली मैंने टमाटर ही डाला है और इसमें थोड़ा मसालेदार बना रही हूँ पंजाबी स्टाइल, तो इसमें ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं तो ये अलग अलग बन रही है, अभी पकौड़ियाँ नहीं बनाई हैं। ये इधर लाई की सब्ज़ी मंडी गए थे तो मैंने कहा खूब सारी हरी सब्ज़ियाँ लाना, तो ये पालक लाई मेथी सब लेकर के आए हैं क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो। और इधर बन रही है चाय, तीसरी बार की चाय पी रही हूँ, 1:05 बजे उसके बाद पी मैंने नहाने के बाद, उसके अब भी मन कर रहा है तो मैं चाय बना रही हूँ। अपने लिए अदरक डाल दी है मैंने और लाई काटती हूँ, फटाफट चढ़ाती हूँ और चावल मैंने आज जल्दी बना दिए क्योंकि कल लाइट चली गई थी। वैसे कल मैंने खिचड़ी बनाई थी लेकिन मैंने कहा आज माइक्रोवेव में चावल बना देती हूँ, मुझे प्रेशर कुकर चावल उतने अच्छे नहीं लगते, वैसे बहुत ही बरबरे बनते हैं किले किले से, लेकिन वो बात नहीं होती जो माइक्रोवेव या राइस कुकर में होते हैं। वो हो गया है, आटा गूंद दिया है, तो फिर बस अब मैं चाय बनाती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ। कपड़े भी हमने 2-3 बार के धो दिए हैं और मिस्टर बीबी डाल रहे हैं, गहरी जी धूप सेक रहे हैं, सनबाथ ले रहे हैं, हिमाद्री को बस थोड़ी देर में नहलाऊंगी और फिर थोड़ा सा मार्केट में काम है। हम दोनों या हम तीनों मार्केट जाएंगे और ऐसी डे कब दिन कभी शाम ख़त्म हो जाएगी पता नहीं। और हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ सैंडविच, तो मैंने मटेरियल तैयार कर दिया है, सब चॉप कर दी है, उसमें क्रीम मिला दी है, ब्रेड ये खरीद के ले आए थे, फिर पनीर वगैरह मैं भी खरीद के ले आई, तो बस मटेरियल तैयार कर दिया है और साथ में हो सकता है पिज़्ज़ा भी बने। जब से एयर फ्रायर है कुछ ना कुछ मैं बनाती हूँ क्योंकि तो कम ऑयल लगता है उसमें, तो एक दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया था तो पिज़्ज़ा बेस मुझे यहाँ मिल नहीं पा रहा और डो तैयार करने का मेरा मन नहीं कर रहा। अगर वगैरह मम्मा डो बना दो या फिर मैदा वगैरह कॉर्नफ्लोर लाऊंगी तो डो तैयार करूँगी, वरना पिज़्ज़ा बेस बन जाए मिल जाएगा तो मैं फिर आज पिज़्ज़ा भी बनाऊंगी। बर्गर के लिए बर्गर भी ले आई हूँ लेकिन कल बनाऊंगी बर्गर। डेली अलग अलग चीज़ें, 4 दिन बचे हैं, स्कूल खुलने वाला है तो 4 दिन तक बच्चों को अलग अलग चीज़ें खिला दूंगी, उनका मन जिससे भर जाए, वैसे भरता नहीं है बच्चों का मन, जितना खिला सकती हूँ आप ये वगैरह सब खिला दूंगी क्योंकि तो उसके बाद मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, मैं लेट आऊँगी, फिर पढ़ाना है और बच्चों को दोनों को पढ़ाना भी है। कल भी पढ़ाया था, मंडे को है इनका लास्ट 4th यूनिट टेस्ट, फिर होंगे सीधी वार्षिक परीक्षाएँ। आज बनाए हैं मैंने लौकी के कोफ्ते और बनाए हैं क्रीमी लौकी, इसमें इस तरीके से पीसेस काटे हैं मैंने लौकी के, ये मेरी फेवरेट है। और बनाऊंगी न्यूट्रिला वाला पुलाव, तो उसके लिए थोड़ा तल लिए हैं और अभी वेजीज काटिंग जाएंगी, उसके साथ लगेगी बनेगी टमाटर की चटनी। हिमाद्री और मैं आए हैं डोमिनोज, हमने घर को नहीं बुलाया क्योंकि हम घर को कुछ नहीं खिलाना चाहते थे। ये देखिए आ गया। बन रही हैं गर्मा गर्म पकौड़ी, आज धूप आई है तो पकौड़ी खा रहे हैं, जब धूप नहीं आती है तो हम पकौड़ी नहीं खाते हैं, ये हमारा स्टाइल है, डिफरेंट स्टाइल में जीने का।
दरोगा जी पकौड़ी खा रहे हैं। गर्व की हिंदी की मैडम ने कार्ड बनवाया मेरा प्रिय त्योहार, तो कोई भी त्योहार पे बना सकते थे। तो गर्व और मैंने मिलके ये ग्रीटिंग बनाया है। ये एग्ज़ाम में ये 5 नंबर का है। पहले ही हमने सोचा शायद छोटा बनेगा, पहले हमने छोटा बना दिया, फिर पता चला कि इसे कोलार्ज जो पो सॉरी कोलार्ज कह रही हूँ, पोर्टफोलियो साइज जो होता है उस साइज का ये ग्रीटिंग बनाना है। तो फिर हमने दोबारा से मेरे पास पोर्टफोलियो शीट रखी हुई थी, तो उस पर हमने दोबारा से लगभग मिलता जुलता कार्ड बनाया। तो अब देखते हैं कि 5 में से गर को कितने मार्क्स मिलते हैं। पहली बार मैंने आंवला कैंडी बनाने की सोची, तो मैंने शुगर में डिप करके इसको छान के धूप में मैं कब से सुखा रही हूँ और ये ढंग से ड्राई नहीं हो पा रही। जब ड्राई हो तो मैं पीसी हुई चीनी इसमें लगाऊं और काली मिर्च, तब हम आंवला कैंडी खाएं, लेकिन सूख ही नहीं रहे। तो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स ले रखी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो हमारा ये मल्टी डेज व्लॉग बन के तैयार हुआ है। बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो जो मैंने बनाई वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। और आज फर्स्ट टाइम गया है गर्व क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। उन्होंने कहा 3 डेज का ट्रायल होगा, उसके बाद सोचा जाएगा गर्व क्रिकेट एकेडमी में उसको एडमिशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद देखते हैं, तभी मैं गर्व के लिए क्रिकेट किट और उसकी ड्रेस वगैरह खरीदूँगी।